गाइस मैं यहाँ छुप गया हूँ इस गाड़ी के पीछे, और ब्यूटी गई है बच्चों को लाने के लिए, उनको सरप्राइज करते हैं। देखिएगा आप, देखिएगा मैं छुपा हुआ हूँ गाइस, छुपा हुआ हूँ मैं। अभी वो लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। ब्लॉग पे बने रहिए गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइस कल के ब्लॉग के बारे में आज बात नहीं करूंगा। आज है महाशिवरात्रि का दिन, बहुत बड़ा दिन है और मुझे डेस्टिनेशन पे भी जाना है गाइस। तो गाइस मैं नहा धोवा के रेडी हो चुका हूँ, मैं जाऊंगा अभी शिव भगवान को अपने घर में जल चढ़ाऊंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, पूजा करूंगा और दिन की शुरुआत करूंगा गाइस। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए गाइस। आज देखते हैं, फ्राइडे का दिन है, आपको पता है आज क्या क्या हो सकता है मेरे लाइफ में। सारा जो भी हो कैप्चर करूंगा गाइस, आपसे शेयर करूंगा, सिंस यू बिकेम अ फैमिली तो दिखाना तो बनता ही है। तो चलिए भोलेनाथ की पूजा करते हैं और शुरू करते हैं दिन। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। गाइस निकल चुके हैं घर से अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारा काम बनता है जाना। थोड़ा तो करना पड़ेगा ना गाइस। सो महाशिवरात्रि है गाइस, नाम लेते ही शरीर में वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जय भोलेनाथ वाइब्स, गूजबम्स होने लगते हैं गाइस मुझे तो स्पेशली। मतलब मैं आपका क्या बता सकता हूँ, बट मेरे साथ तो यही होता है जब भी भोले बाबा को मैं याद करता हूँ गाइस, पूरे शरीर में ना जबरदस्त वाली एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। मैं मतलब बाबा का भक्त हूँ गाइस। मैंने 12-13 साल कांवड़ लेके पैदल देवघर में जल चढ़ाया है। पिछले कुछ 2-3 सालों से नहीं जा पाया हूँ किसी कारणवश, लेकिन हाँ हर साल जाता था पैदल। 4 दिन लगते थे गाइस पैदल चलने में, नंगे पांव, आप समझ सकते हैं। भोलेनाथ के भक्त हैं गाइस, वैसे तो सभी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हर कोई का कुछ होता है ना गाइस। किसी को राम जी, किसी को भोलेनाथ, किसी को दुर्गा माता। तो मेरा तो गाइस आप देखते ही हैं, मंगलवार के मंगलवार में मंदिर जाता हूँ, नवरात्र में 9 दिन का फास्ट रखता हूँ, भोले बाबा का दिन होता है। तो गाइस ये आस्था है, हर इंसान अपने हिसाब से अपने आस्था को करते हैं। तो हम चलिए बातें करते भी रहेंगे गाइस, डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं, दिखाते भी हैं। तो आज उम्मीद करता हूं मैं गाइस कि ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होगा, उतना नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब होगा तो क्या ही कर सकते हैं। सब देख रहे हैं ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ है आज, सटासट गाड़ी निकलेगी गाइस। वैसे थोड़ा लेट भी हो गए हैं, अभी मेरे को जहां क्रिकेट होता है ना गाइस, मैं टाइम पकड़ के चलता हूं। अभी 8:29 हो रहा है, देखिए तो 8:29:30 के करीब में मैं वहां होता हूं जहां क्रिकेट दिखाता हूं आपको, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो चलिए थोड़ा समय को पकड़ लेते हैं ताकि हम समय से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। गाइज एज प्रोमिस्ड, मैं सोचा था कि मैच दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैच नहीं चल रहा है गाइज। ये देखिए मैदान खाली है, खाली है, यहां से ठीक से दिखेगा ये देखिए, है ना। सो इस हिसाब से आज मेरा वादा पूरा हुआ, और नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे तो दिखाएंगे गाइस। मैं चलता तो मैं रुक के जरूर दिखाता,
मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपसे बात करूँ मैं उस पर खड़ा उतरूँ गाइस, आपको तभी अच्छा लगेगा। चलिए अब डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस मैं अपने डेस्टिनेशन से निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ घर। घर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। आज शिवरात्रि का दिन है गाइस, आपको तो पता ही है शिवरात्रि का पूजा हुआ है घर में, तो बच्चे भी हैं घर पे, आज छुट्टी है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या और कवर करते हैं। पूजा तो मैंने किया, आपने देखा ही है गाइस, और बच्चे क्या माहौल बनाते हैं वो भी देखते हैं, सब दिखाएंगे ब्लॉग पे, बने रहिएगा। हर हर महादेव। गाइस निकल पड़े हैं, थोड़ा सा माहौल है इधर का ऐसा, कुछ देख सकते हैं आप, दिस इज द माहौल। आई एम बैक एट होम एंड मिलिए ब्यूटी जी से। इनका आज व्रत है, महाशिवरात्रि का पूजा किया है इन्होंने, मंदिर गई थी ये, जल चढ़ाया आपने। और गाइस बच्चे ट्यूशन गए हैं, उनको ये लेने जाती हैं, लेकिन आज मैं भी जाऊंगा और उनको सरप्राइज करते हैं। पहले ना ये जाएंगे, मैं छुप के रहूंगा और उनको सरप्राइज करते हैं। चलिए उनको ट्यूशन से लाने का वक्त हो गया है, पहले उनको ट्यूशन से लेके आते हैं, उसके बाद सर गाइस बहुत सारा काम करना है। आपको तो पता ही, मोबाइल गिर गया था, टूट गया, तो अभी बनवाया नहीं मैंने। उसके बाद गाइस फ्राइडे का मार्केट है, छींक आ रहा है, कोई बात नहीं। तो फ्राइडे मार्केट भी करना है गाइस, बहुत सारा काम है। चलिए पहले बच्चों को लेके आते हैं, सरप्राइज करते हैं उनको। गाइस मैं यहाँ छुप गया हूँ इस गाड़ी के पीछे और ब्यूटी गई है बच्चों को लाने के लिए, उनको सरप्राइज करते हैं। देखिएगा आप, देखिएगा मैं छुपा हुआ हूँ गाइस, छुपा हुआ हूँ मैं। अभी वो लोग आए नहीं हैं, आएंगे तो मैं दिखाऊंगा, ब्लॉग पे बने रहिए गाइस। गाइस वो आ रहे हैं, यहाँ से देखिए, इधर से दिखाता हूँ। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, हाँ यहाँ से दिखिए गाइस, ये देखिए गाइस, थोड़ा मजबूरी है, मैं क्या करूँ, छुपने का यही एक जगह मिला है, वो है ना गेट, गेट से निकलेंगे। आंटी एक बैठी हुई है गाइस, देख रहे ना, आंटी एक बैठी हुई है, वहीं से निकलेंगे। ये देखिए ब्यूटी निकल गई, किट्टू भी निकल गई गाइस, किट्टू भी निकल गई, अब ऋतु आएगी गाइस, देखिए ऋतु भी निकल गई गाइस। अब ऋतु नारा, इनको नहीं पता है कि मैं आया हूँ, अब सरप्राइज करते हैं। चलिए देखिए गाइस, देखिए गाइस, ये देखिए उनको पता ही नहीं चला है। तुमने मुझे नहीं देखा था, हाँ तुमने मुझे नहीं देखा किट्टू, ये देखिए गाइस सवारी बैठ गए बाइक पे, है ना, बाइक की सवारी कर रहे हैं और हम लोग चलते हैं। आज फ्राइडे मार्केट भी है ना किट्टू, सरप्राइज हो गई ना। ये देखिए गाइस ये खेल रही है और उधर ऋतु खेल रही है अपने दोस्तों के साथ। और मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे मैं एक्चुअली ब्यूटी और मम्मी जा चुकी हैं सब्जी लाने के लिए, और वो जब सब्जी वगैरह ले लेंगी तो मुझे कॉल आएगा और मैं जाऊँगा सब्जी लेने के लिए। तो मैं बैठ के बच्चों का केयर कर रहा हूँ, चोट ना लगे दौड़ते वक्त, खेलते वक्त कुछ वैसा ना हो, और भी बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़रूरी है, थोड़ा सा, इसीलिए बैठा हूँ। गाइस फाइनली मैं सब्जी लेके आ गया, देखा हमने जैकेट पहन लिया था, बाहर में ठंड है, और सब्जी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये एक झोला इसमें है और ये एक झोला यहाँ है, और यहाँ बच्चों के लिए मोमोज भी ला दिए हैं। मोबाइल देख के मोमोज नहीं खाना है। हाउ इज द जोश, कैसा लग रहा है मोमोज? अच्छा, अच्छा लग रहा है, अच्छा आ रही है मोमोज, अच्छा यूनिक है ना ये, ये देखिए गाइस क्या मस्त भंडारे वाली सब्जी और पूरी बन रही है ना। तो गाइस आज का ब्लॉग आप देख रहे हैं, आज के ब्लॉग में मैंने आपको क्या क्या दिखाया गाइस, भोलेनाथ का आज महाशिवरात्रि का दिन है गाइस, पूजा पाठ किया घर वालों ने, सभी ने किया, बुध भी दिखाया आपको, लौटने के बाद सब्जी लेने भी गया, बच्चों के साथ खेला भी गाइस, और सबसे बड़ी बात है गाइस कि मैंने बच्चों को आज ट्यूशन से लाते वक्त सरप्राइज किया है।
ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मतलब मौका मिल गया और मैं उनको जाके सरप्राइज किया गया, बहुत बड़ी बात है। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गाइज। एक बार फिर से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।